तो मूवी की शुरुआत होती है एक चमचमाते शहर में, जहां कुछ लोग गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वो सभी यही कह रहे थे कि बीड़ी में तमाकू है, गवर्नर हमारा डाकू है। लेकिन गवर्नर सैंड्रो को इन सब से कोई लेना देना था ही नहीं। वो तो खुद को बचाते हुए एक टेबल के नीचे छुप गया, पर तभी यहाँ एक मास्क मैन ने आकर सैंड्रो को धप्पा कर दिया। लेकिन मेरे भाई, ये सब हो क्यों रहा है, आ जाओ फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ एसपीडी टीम रेडी होकर अपने मिशन के लिए निकली। यहाँ से निकलकर ये सीधा गवर्नर सैंड्रो के पास पहुँचे, जहाँ वो कॉफी पी रहा था। एसपीडी एजेंट्स उसकी कॉफी को रोककर अपने डिपार्टमेंट की चाय पिलाने ले आए। वैसे ये है एजेंट हैरी और ये एजेंट मिगेल। गवर्नर के अरेस्ट होते ही न्यूज चैनल को नया कंटेंट मिल गया। रात को यही न्यूज घर पर बैठा एजेंट मिगेल भी देख रहा था, जहां उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। अगले दिन मिगेल और हैरी गवर्नर से पूछताछ करने लगे कि आपके ऑफिस से पब्लिक हेल्थ केयर का 2 बिलियन कहां गायब हो गया। लेकिन गवर्नर बहुत चिल था, जैसे वो एसपीडी डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि थाईलैंड की ट्रिप पर आया हो। तभी वहाँ गवर्नर का लॉयर भी पहुंच गया। दोनों एजेंट्स वहां से बाहर आए, तब उनके बॉस थॉमस ने उनसे कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इस बार हम इस गवर्नर को आड़े हाथ जरूर लेंगे। रात को मिगेल अपने घर आया, जहां वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था कि तभी उसकी वाइफ, सॉरी ये अमेरिका है तो तलाकशुदा वाइफ भी वहां आ गई। मिगेल ने उसे बताया कि कल वो अपनी बेटी के साथ एक सॉकर मैच देखने जाएगा। दूसरी तरफ गोमेज नाम का बिजनेसमैन रेजिना नाम की मिनिस्टर से मिलके आने वाले इलेक्शन के बारे में बात करने लगा। और तीसरी तरफ गवर्नर विलायती खाना खाते हुए अपने लॉयर से बोला कि इन एजेंट्स को जो करना है करने दो, बाकी मेरे बाहर आते ही इनका शिकार शुरू होगा। अगले दिन थॉमस ने अपने सभी एजेंट्स को बताया कि गवर्नर का केस अब मिलिट्री पुलिस को दे दिया गया है। ये सुनकर मिगेल को काफी गुस्सा आया, लेकिन थॉमस बोला कि जिसको ज्यादा दिक्कत लगे वो मेरे ऑफिस में अपना रिजाइन लेटर छोड़कर जा सकता है। अब चाहते हुए भी मिगेल के हलक से कुछ शब्द नहीं निकले और वो वहां से अपनी बेटी को सॉकर मैच दिखाने चला गया। काफी ट्रैफिक के चलते वो दोनों कैब से बाहर आ गए, लेकिन अचानक से बीच सड़क पर ही उसकी बेटी को किसी ने गोली मार दी। ये देखकर घबराते हुए मिगेल अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके पहुंचा, लेकिन हॉस्पिटल का हाल हमारे सरकारी अस्पतालों से भी बदतर था, जिसके चलते उसकी बच्ची ने बिना इलाज के ही दम तोड़ दिया। थोड़ी ही देर में उसकी वाइफ भी हॉस्पिटल पहुंची, जहां ये दोनों अपनी बेटी को याद करते हुए रोने लगे। और तो और, यहां इस बेईमान गवर्नर को भी बेल मिल गई। अब हैरी मिगेल से मिलने आया और उसे हिम्मत देने लगा कि हम उस शूटर को जरूर पकड़ लेंगे। लेकिन मिगेल बोला कि मेरी बेटी बच सकती थी अगर हॉस्पिटल में उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाता, पर ये गवर्नर जैसे लोग जनता का हक मार के अपनी जेब भरते हैं। यह कहकर वो अपना गुस्सा निकालने जॉगिंग पर चला गया, लेकिन उसे उसकी बेटी की बहुत याद आ रही थी। यहाँ गवर्नर को बेल मिलते ही उसके घर के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गए। मिगेल ने न्यूज में देखा कि कैसे गवर्नर इतना कुछ करके भी प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये देखकर वो बाकी प्रोटेस्टर्स के साथ गवर्नर हाउस पहुंचा और आगे बढ़ने लगा, जिस बीच उसकी पुलिस से भी भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते उस प्रदर्शन ने दंगे का रूप ले लिया। तभी पुलिस ने टियर गैस छोड़ दी और उसी गैस में अचानक से मिगेल के सामने एक मास्क आ गया, जिसको पहनते ही हमारे हीरो की जर्नी स्टार्ट हुई। अब वो पुलिस से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। वो हाउस पिलर पर भी ऐसे चढ़ा जैसे उसमें स्पाइडरमैन की आत्मा आ गई हो। अब हाउस में एंट्री लेते ही उसने सबसे पहले सिक्योरिटी को खत्म किया, जिसके बाद वो सैंड्रो के पास पहुंचा। सैंड्रो को धप्पा करके उसने सैंड्रो को उसके पप्पा याद दिला दिए। उसने सैंड्रो को इतना मारा कि उसकी जान ही निकल गई। अगली सुबह एसपीडी ने सैंड्रो के कमरे की सीसीटीवी फुटेज देखी तो शायद वो कैमरा मेड इन जापान था, क्योंकि रात की पूरी रिकॉर्डिंग ब्लर हो चुकी थी। इसके बाद एसपीडी ने अरेस्ट किए प्रदर्शनकारियों को बुलाया, जिसमें उनके फोन पहले ही छीन लिए गए ताकि कोई अपने विधायक चाचा को फोन करके न बुला ले।
इन सब अरेस्ट हुए लोगों में ये नीना नाम की लड़की मिगेल को बहुत ध्यान से देख रही थी। मिगेल के भी नैना जब नीना से लड़े तो वो उसे अकेले में पूछताछ के लिए ले आया। तब हमें पता चला कि नीना एक टॉप क्लास हैकर है। फिर नीना ने मिगेल को पेपर पर लिखकर बताया कि मैंने कल रात तुम्हारा MMS रिकॉर्ड कर लिया था और मैं जानती हूँ तुमने ही गवर्नर को मारा है। साथ ही एक मजे की बात बताऊं, जो फोन SPD ने जब्त किया उसी फोन में तुम्हारी वो रिकॉर्डिंग है। यहाँ गोमेज ने अपने पॉलिटिकल साथियों को बुलाकर बताया कि आने वाले इलेक्शन में मेरा बेटा स्टीव खड़ा होगा क्योंकि उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और अगर तुम में से किसी ने ज्यादा बकेती करी तो मैं उसकी डायरेक्ट टिकट शमशानपुर की कर दूंगा। बाकी इस काम में मिनिस्टर रेजिना भी मेरा साथ देंगी। यहाँ इंटेरोगेशन रूम में मिगेल खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने नीना का फोन उसे वापस दे दिया। नीना भी SPD डिपार्टमेंट से एक स्टोर में आई जहाँ वो एज असिस्टेंट काम करती थी। स्टोर में आकर वो मिगेल के बारे में और ज्यादा जानने लगी। दूसरी तरफ मिगेल अपनी वीडियो देखकर बहुत परेशान था, इसलिए उसने रास्ते में ही नीना को धर लिया। उसने नीना से पूछा कि ये वीडियो किस किसने देखी है। नीना बोली कि सिर्फ हम दोनों ने। ये सुनकर मिगेल ने नीना को गवर्नर का लैपटॉप देते हुए कहा कि इससे पता करके बताओ आखिर इस हेल्थ केयर करप्शन में कौन कौन शामिल था। नीना भी इस काम के लिए मान गई, और जब उसने लैपटॉप के कान अमेड़े तो उसके सामने कुछ पिक्चर्स आई जिससे ये पता चला कि ये लोग अपने डेटा को फोटो में छुपाकर शेयर करते थे, और ये वही लोग हैं जो गोमेज के साथ मीटिंग में शामिल थे। ये इन्फॉर्मेशन लेके मिगेल अपने घर आया। उसने अपना असला बारूद साथ ही अपना वो मास्क पैक किया और एक अबेंडेंट जगह के लिए निकल गया। उसने इस अबेंडेंट जगह को ही अपना बेस बना लिया था जहां उसने अपने टारगेट्स की फोटो सामने लगाई और यहां से रेडी होकर एक बिल्डिंग की टॉप पर पहुंचा। ये बिल्डिंग मेयर के ऑफिस की थी जिसकी छत से उसने करप्ट मेयर को धरती से मिला दिया। अब ये न्यूज जगह जगह छपनी स्टार्ट हो गई कि आखिर ये कौन खलनायक पैदा हो गया है। मिगेल एक एक करके सारे करप्ट पॉलिटिशियंस को मार रहा था जिसकी वजह से चारों तरफ डर का माहौल कायम हो गया। न्यूज वालों ने भी न्यूज में मिर्च मसाला लगाते हुए मिगेल को दी अवेकनर का टाइटल दे दिया। कुछ दिन बाद थॉमस पूरी टीम पर भड़कने लगा कि कैसे एक मास्क मैन ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है, जिसकी वजह से अब पूरी SPD पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन मिगेल फिर से नीना के पास आया और उससे अपने आखिरी टारगेट की इन्फॉर्मेशन मांगी, लेकिन नीना अभी तक उनके अगले टारगेट की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई थी। यहाँ डिपार्टमेंट में हैरी ने मिगेल को बताया कि इस हिटमैन ने कोई सुराग नहीं छोड़ा, जिसका मतलब जरूर ये कोई स्पेशल फोर्स का बंदा ही है जो कि एक शूट में अपने टारगेट का गेम ओवर कर देता है। मिगेल को लगा कि हैरी उस पर डाउट ना करने लगे, इसलिए उसने कहा कि हैरी तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए मेरे दोस्त। उसी रात नीना ने मिगेल को बताया कि गोम्स और उसके सपोर्टर एक मीटिंग रखने वाले हैं। यहाँ हैरी भी इन्वेस्टिगेशन से समझ गया कि अवेकनर का नेक्स्ट टारगेट गोम्स होगा। ये पता चलते ही वो गोम्स की मीटिंग वाली जगह के लिए निकल गया। मिगेल भी नीना के इंस्ट्रक्शन लेते हुए गोम्स की मीटिंग की प्लेस पर पहुंचा, लेकिन पीछे से हैरी भी बिल्डिंग में आ गया था। तभी नीना ने मिगेल को बताया कि वहां तुम्हारा पार्टनर हैरी भी आ गया है। उसने ये बताया ही था कि हैरी ने अवेकनर को देख लिया और इनके बीच पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई। हैरी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन वो मिगेल को पकड़ नहीं पाया, पर तब भी वो अवेकनर को घायल करने में कामयाब हो चुका था। नीना भी मिगेल के बेस पर पहुंची और हैकर से डॉक्टर बनते हुए मिगेल का ट्रीटमेंट करने लगी। तब उसने बताया कि गोम्स ही पैसों के दम पर अपनी मनमर्जी से सभी पॉलिटिशियंस को नचा रहा है। या लॉयर ने गोम्स को बताया कि जरूर वो कल रात वाला अटैकर अकेला नहीं है, क्योंकि अटैक के वक्त हमारे सारे CCTV कैमरा हैक हो गए थे, इसलिए उसका जल्दी से जल्दी काम तमाम करना होगा। उसी रात गोम्स के घर सभी ऑफिशियल्स के साथ एक डिनर पार्टी चल रही थी जिसमें उसका बेटा स्टीव भी मौजूद था, लेकिन वो इन सभी हाई ऑफिशियल के बीच अनकंफर्टेबल फील करने लगा। इसलिए वहां से उठकर उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे इस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं होना।
उसके पीछे गोम्ज भी अपने बेटे को समझाने आया, लेकिन मिगेल वहाँ भी पहले से निशाना लगाए बैठा था। उसके पास गोम्ज को मारने का एक अच्छा मौका था, लेकिन उसने जानबूझकर स्टीव को मार दिया ताकि गोम्ज अपने बेटे की याद में तड़पता रह जाए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत खराब डिसीजन था। खैर, गोम्ज ने तो उल्टा बेटे की मौत का फायदा उठाकर खुद को ही प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा कर लिया। यहाँ इस बार लॉयर को उसके हैकर ने बताया कि मुझे एक एड्रेस मिला है जहाँ से बिल्डिंग के कैमरे की हैकिंग हुई थी। जब लॉयर उस लोकेशन पर पहुंचा तो वो नीना का ही स्टोर था। स्टोर में जाते ही लॉयर ने उसके ओनर को गोली मार दी, और जब नीना स्टोर में पहुंची तो वो ये देख के डर गई कि उसके ओनर को किसी ने मार दिया। वो भागते हुए मिगेल के बेस पर पहुंची, लेकिन असल में ये लॉयर का ही जाल था, क्योंकि वो अपने आदमियों के साथ नीना का पीछा करते हुए मिगेल तक पहुंच गया। यहाँ मिगेल लॉयर के साथ आए आदमियों से लड़ रहा था, और इतने में ही लॉयर ने नीना को हॉस्टेज बना लिया। लॉयर मिगेल से बोला कि बहुत बड़े स्नाइपर हो ना तुम, तो अब तुम्हें जूलिया को मारना होगा, जो कि गोम्ज के खिलाफ प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ी होने वाली है, वरना तुम्हारी ये नीना कुमारी मारी जाएगी। ना चाहते हुए भी मिगेल को इस काम के लिए मानना पड़ा। यहाँ फायरिंग होने की वजह से एसपीडी को भी बेस का पता चल चुका था। तभी हैरी ने अवेकनर के बेस पर मिगेल का फोन देखा, और वो समझ गया कि मिगेल ही अवेकनर है। यहाँ मिगेल जूलिया को मारने एक इवेंट में पहुंचा, जहाँ एसपीडी टीम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। मिगेल जूलिया को टारगेट करने के लिए काफी ऊपर आया, लेकिन तभी वहाँ चुपके से हैरी भी पहुंच गया और उसने मिगेल पर हमला कर दिया। दोनों के बीच तगड़ी फाइट हुई। तभी हैरी बोला कि मैं जानता हूँ तुम मिगेल हो, और क्या इन पॉलिटिशियंस को मार के तुम्हारी बच्ची वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ नीना ने लॉयर का ध्यान भटकते ही उसकी सांसें मटका दी, लेकिन क्या फायदा, मिगेल अब अरेस्ट हो चुका था। अवेकनर की पहचान का खुलासा हो गया। सारी जगह बस ये न्यूज थी कि अवेकनर की लास्ट टारगेट जूलिया थी, जिसका मतलब वो भी एक करप्ट पॉलिटिशियन ही होगी। इस न्यूज के चलते गोम्ज का सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगा। डिपार्टमेंट में इलीगल तौर पर थॉमस मिगेल की तबीयत सही कराने लगा। तब हमें पता चला कि थॉमस भी इन करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से मिला हुआ है, इसलिए ही वो हर बार इन्वेस्टिगेशन में अपनी टांग अड़ाता था। थॉमस ने जाते हुए अपने एजेंट्स को ऑर्डर दिया कि इसे जान से मार दो, लेकिन मिगेल उन एजेंट से भी भिड़ गया। उसने उन एजेंट्स का भूत भरने में ज्यादा देर नहीं लगाई। यहाँ गोम्ज प्रेसिडेंट बनने वाला था, लेकिन उसके स्वागत के लिए मिगेल ने एसपीडी ऑफिस से बहुत सारा असला बारूद ले लिया। भाई ने पैकिंग तो ऐसे करी थी जैसे शिमला जा रहा हो। खैर, यहाँ से निकल कर मिगेल गोम्ज के ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचा, जहाँ उसके आदमियों को ठिकाने लगा के उसने गोम्ज के कैबिन में एंट्री ली। गोम्ज बकैती करते हुए टेबल के नीचे से गन में गोलियां लोड कर रहा था, लेकिन मिगेल ने ज्यादा मौका ना देते हुए गोम्ज के खोपड़े को उड़ा दिया। साथ ही अपनी कार में रखे बॉम्ब को भी उसने ब्लास्ट कर दिया, जिससे पूरी बिल्डिंग की धज्जियां उड़ गई। अगली सुबह उस बिल्डिंग के मलबे में एसपीडी को अवेकनर का मास्क तो मिला, लेकिन मिगेल की डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। इसलिए दोस्तों, अब ये पता नहीं कि मिगेल मारा गया या अभी भी जिंदा है, लेकिन हाँ, गोम्ज के मरने की न्यूज देखकर नीना कुमारी रसना पीते हुए बहुत खुश हो गई। और नीना की तरह मुझे भी खुश होना है यार, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी रसना पी पाऊँ। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।